उमेश यादव जी, जी बात आज पहला इब्तदाई इश्क यहां से हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र का, बजट सत्र का आरंभ यहां से हुआ कि मुख्यमंत्री बाहरी हैं। अब स्वाभाविक है इसके बाद तो टकराव ही टकराव होना है, नहीं? और भाजपा ने कह दिया कि चाचा भतीजे एक साथ चले चाहे अकेले चले, होना जाना कुछ नहीं सपा का। ये पहले दिन के दो गिफ्ट हैम्पर हैं जो आज खुले विधानसभा में। जी क्या उम्मीद बन रही है? देखिए आदरणीय अमिताभ जी, ये जो पूत के पांव तो पालने में ही दिख गए पहले दिन। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया, देखिए बजट सत्र था, हर विपक्ष के पास, प्रत्येक सत्ता के विरुद्ध विपक्ष के पास उसका विरोध करने के कारण होते हैं, होने भी चाहिए, और उसका संवैधानिक अधिकार है, दायित्व है कि उसको करना चाहिए। पहली बात, देखिए जो अभी आपने प्रश्न किया, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि अखिलेश जी बार बार अपने स्टैंड को बदलते हैं। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने सबसे पहले आते ही सदन में बैठते हुए कहा कि प्रत्येक विधायक को 20 लाख रुपए गाड़ी के लिए अपनी निधि से खर्च करने के लिए व्यवस्था की गई, तुरंत उनको किसी ने बताया नहीं, गलत हो गया, उन्होंने गलत कर दिया, फिर उन्होंने वो अपना आदेश वापस लिया। इस तरीके के पिछले उनके राजनीतिक जीवन में कई ऐसे उदाहरण है जो उन्होंने आगे बढ़ के पीछे हटने का काम किया। और अगर आप मुख्यमंत्री योगीनाथ जी के लिए उनकी आज की गई ताजा टिप्पणी पे बात करेंगे, तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के संविधान ने किसी भी व्यक्ति को उस प्रदेश में वोटर होने के बाद वहां का मुख्यमंत्री होने का अधिकार दिया, और योगी आदित्यनाथ जी कई बार लंबे समय तक लोकसभा के निर्वाचित सदस्य रहे हैं, लोकसभा सांसद रहे हैं। ये अखिलेश जी का उसी तरह का बयान है जैसे उन्होंने कहा था कि भाजपा वाली कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी है, तो ये अनमैच्योर्ड एक स्टेटमेंट है उनका, और वो उसमें परिपक्वता नहीं छलकती। जिस प्रदेश की सरकार, जनता जनार्दन ने उनको कई बार लोकसभा का माननीय सदस्य बनाया, उसी प्रदेश की जनता ने लगातार उनको दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, उनको निर्वाचित किया, उनको चुनाव में जिता के सदन में भेजने का काम किया, तो ये टिप्पणी बहुत बचकाना है, मैं इससे कतई सहमत हूं। ठीक ठीक नाहिद लारी जी, जितनी आयु है मुख्यमंत्री की, ठीक, उसका उसमें मेरे ख्याल से 60-65% हिस्सा, या बल्कि और शायद 70% हिस्सा जो है उनके जीवन का अब तक का गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में कटा क्या जी? और जब वो जन्मे थे तो प्रदेश एक ही था, उत्तर प्रदेश ही बोलते थे उसको, ठीक ना? तो बाहरी कैसे हो जाएगा आदमी भैया? अमिताभ जी, अमिताभ जी बिल्कुल, जब जन्मे थे और तब में और अब में फर्क है। अब उत्तर प्रदेश अलग स्टेट और उत्तराखंड अलग स्टेट, लेकिन उससे हमारा डोमिसाइल नहीं बदलता व्यक्ति का। एक सेकंड, मुझे बात तो बिल्कुल बदल जाता, मुझे बात तो कंप्लीट करने का मौका दीजिए। जो लोग उत्तराखंड में है वो उत्तराखंड के ही कहलाएंगे, और जो लोग उत्तर प्रदेश में रह गए वो उत्तर प्रदेश के कहलाएंगे। और फिर आप, हेलो जी जी, आवाज आ रही है? आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, बोलिए। अब ये बड़ी दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई खाटी यूपी वासी नहीं मिला जिनको वो सीएम बना देते। एक बार सीएम बनाया बाहरी को, फिर दूसरी बार सीएम बना दिया बाहरी को। और जो बार बार स्टैंड की बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड बदलती रहती है, अरे स्टैंड तो भारतीय जनता पार्टी बदलती है। और काला कृषि कानून लेकर आए, गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता वाह 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 करते रहे। उसके बाद जो है माननीय अखिलेश यादव, एक साल से अधिक जो है किसानों ने आंदोलन किया, 700 से अधिक किसान शहीद हो गए, 2 वर्ष संवेदना का नहीं व्यक्त किया भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद जब 16 नवंबर 2022 को माननीय अखिलेश यादव जी ने गाजीपुर से लखनऊ तक रथ यात्रा निकाला और रात्रि जागरण किया जिसमें लाखों लाख जनमानस सड़कों पर आ गए, इतना थर्रा गई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली तक थर्रा गई कि 24 घंटे के अंदर इन्होंने काला कृषि कानून वापस ले लिया। और फिर उसके बाद फिर क्या था? फिर बीजेपी नेता और गोदी मीडिया वाह 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 करते रहे, जीएसटी लेकर आए, जीएसटी में ना जाने कितने अमेंडमेंट्स किए, उसमें नहीं, एक तरफ नहीं रुक पाए। तो इसलिए स्टैंड की बात जो भारतीय जनता पार्टी करे उचित नहीं है। दूसरी बात मैं बार बार सुन रही थी कि अब क्यों जातिगत जनगणना की बात हो रही है। अरे जातिगत जनगणना की बात ये पहले
के बाद में ही हो रही है। जब माननीय नेताजी भी थे, शरद यादव जी थे और कांग्रेस की सरकार थी, तब भी समाजवादी पार्टी ने और तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने जो जातिगत जनगणना की मांग की। और अभी आज ही मैंने देखा टीवी चैनल पर आ रहा था कि बीजेपी के शायद कोई मंत्री या विधायक है, वो कह रहे जातिगत जनगणना का मामला तो हल जो है मोदी जी करेंगे। अरे मोदी जी कहां से कर देंगे जातिगत जनगणना का मामला हल? मोदी सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट कह दिया है कि जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। समाजवादी पार्टी शुरू दिन से कह रही जातिगत जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बीजेपी जो है पिछड़ा दलित विरोधी पार्टी है। ठीक है, देखिए इनकी भाषा आप ही के चैनल पर। अभी रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा, मैं मुझे बीजेपी से उत्तर। ठीक है, एक मिनट, ना आगे बात आगे, अब रुक जाते हैं। अरे ना भाई, इंपॉर्टेंट बात, फिर आप उत्तर ले लीजिएगा ना। बोलो भैया जी, एक सेकंड, मुझे तो अपने सबसे बोल चुप थी, सबको सुन रही थी। अभी सुनने ही है यार, सब लोग एक साथ और अन्य लोग भी भाजपा के बड़े बड़े नेता कहते रहते हमने बना दिया राष्ट्रपति, हमने बना दिया राष्ट्रपति आदिवासी समाज की महिला को। अरे क्या बना दिया, क्या बना दिया? अरे 72% आबादी पिछड़े दलित आदिवासी ही केवल और केवल भारत के मूलवासी है। इनका हक है निचले से लेकर ऊपर तक के सारे पदों पर। ठीक है, आपने क्या बना दिया? ठीक है, आपने क्या नहीं, अरे रुकना, रुको भाई, एक मिनट, अरे ना, आगे बात, आ गई। ठीक है, नाइट क्या बात, रुक दीजिए, पिछड़े और दलित, रुक दीजिए, ओपी सिंह के पास जाने। लेकिन कुछ बातें मैं कह दूं, राजनेताओं के कब कब क्या विश्वसनीयता के स्तर क्यों खत्म हो गया? नाइद ने कहा कि भाई आपने क्या बना दिया, यानी जो रूलिंग है पार्टी अलायंस है वो कैसे राष्ट्रपति बना देगा? राष्ट्रपति जबरिया बन जाएगा कोई, एक। दूसरा, जो प्रदेश के टैक्स के पैसे से सड़क बनती है, पार्क बनता है, पुलिया बनती है, उस पर पार्टी मोहर आज तक लगाए हुए, कहती थी समाजवादी पार्टी का पार्क, वहां भाजपा वाले शादी ब्याह कर रहे। समाजवादी पार्टी के पैसा के तो खाते से पैसा गया नहीं था, जनेश्वर मिश्रा में पैसा तो टैक्स का ही गया था ना। तो जब आप रोड तक का आज तक मोहर लगाई हुए बैठे हो सब लोग, तो भैया वो राष्ट्रपति अपने लगाएंगे। खैर, ओपी सिंह, मसला ये कि, और एक चीज मैं और कहूं ना, नाहिद लारी ने कहा कि हम जब नेताजी थे तब भी वो इस बात को उठाते थे। हाँ, उठाया होगा कभी किसी मंच पर, लेकिन जब नेताजी थे तो 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसको दो लोगों के समर्थन से वो टिकी थी। एक चिट्ठी मुलायम सिंह यादव के दस्तखत की थी राष्ट्रपति भवन में, एक मायावती के दस्तखत की थी। ठीक, वो दोनों इतने ताकतवर उस वक्त थे कि जातिगत जनगणना करा लेते और आंकड़े रिलीज करा देते, और लालू जी तो सरकार में थे। ठीक, और कांग्रेस की वो हैसियत भी नहीं थी कि लालू यादव मुलायम सिंह दोनों को नाराज कर ले। इसलिए ये प्रश्न इतिहास में दर्ज है, इस जब बोले तो इस भाव में बोले ओपी सिंह जी, वो कभी मसला उठे, लेकिन ये तो ठीक तय बात है कि भाई जातिगत जनगणना का मसला जब भी उठेगा वो हर पार्टी को प्रभावित करेगा, जो पार्टी जितनी बड़ी उसको उतनी ही बड़ी सीमा तक प्रभावित करेगा, क्योंकि उस मुद्दे में वाइब्रेशन बहुत है पॉलिटिकल। ओपी सिंह जी, अब्दाद जी, दो कहावत बड़ी पुरानी है जी, और दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए, मैं अपनी पार्टी नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों पर यह लागू होती है, और इसका दूरगामी परिणाम आप पिछले कई दशकों से देखते आते हैं। एक कहावत है कि जस करनी तस भोग उताता, नरक जात फिर क्यों पछताता, एक कहावत यह है। और दूसरी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका जो है विनाश होना होता है उसकी बुद्धि पहले विपरीत हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। आप ये बताइए कि आज, ठीक है, जाति जनगणना की आप बात उठा रहे हैं, और इस जाति जनगणना का बहुत सा जवाब आपने स्वयं दे दिया है, लेकिन ये बताइए कि क्या संवैधानिक पद पर बीजेपी सरकार ने भाई सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट किया, उनके जवाब आ रहे हैं, मैं केवल ओपी सिंह बोलेंगे जी। आप इस पर बताइए जी, जाति का जनगणना क्यों नहीं कराएंगे? केवल ओपी सिंह जी की आवाज जाएगी जी। ओपी सिंह जी बोलिए जी। मैं ये कह रहा था कि अमिताभ जी के क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक महिला राज्यपाल का इस तरह से अपमान करना
समाजवादी पार्टी को शोभा देती है, समाजवादी पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आज आपने एक नया सिगुफा छोड़ दिया, आपने कहा कि योगी जी दूसरे प्रदेश के हैं, इसका जबकि ये पूरी दुनिया को पता है कि उत्तर प्रदेश योगी जी का जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है, और ये भी तय हो चुका है कि भारतवर्ष का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, और ये भी तय हो चुका है कि 2022 का विधानसभा का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में लड़ा गया है, और ये भी तय है कि योगी आदित्यनाथ ने 39 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा और नोएडा के भ्रामक उसको भी तोड़ा। आप किस तरह की बचकानी बात करते हैं? आप कह देते हैं योगी जी दूसरे प्रदेश के, फिर कल आप कह देंगे कि वो दूसरे प्रदेश के, वो तीसरे प्रदेश के, यही राजनीति है, यही आप करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि पिछड़े, अरे भैया इनको शांत कराइए, शांत कराइए, इनको शांत कराइए, किसी यूपी वासी को उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर, इनको शांत कराइए, वहां पर आपको उत्तराखंड वासी जी, अरे आपको तो खुद बोलना चाहिए कि यूपी में क्या कोई खाटी उत्तर प्रदेश वासी नेता नहीं है बड़ा जिसको आप लोग चीफ मिनिस्टर बना सकते? आप लोग यहाँ के जो नेता है उन्होंने एरिया घिस दी या आपका भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाते उठाते, और बना कौन चीफ मिनिस्टर? उत्तराखंड वासी। अरे वो उत्तराखंड के इसलिए, उनको जातिगत जनगणना के बारे में नहीं मालूम है, उनको प्रदेश के लोगों से कोई लगाव नहीं, उनको जनमानस के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लग रहा गुस्सा इसलिए है समाजवादी पार्टी के उसमें इस वक्त ज्यादा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं पाए कि वो सरकार से बाहर हो गए दूसरी बार भी। क्या अखिलेश यादव खुद यही कहते हैं कि मेरी सरकार तो चुरा ली, छीन ली, इसी मैकेनिज्म से, एक सेकंड, इसी मैकेनिज्म से छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, इसी प्रक्रिया से राजस्थान में कांग्रेस की बनी, इसी से बंगाल में ममता बनर्जी की बनी, ठीक। लेकिन अखिलेश यादव छोड़ के दूसरा कोई नेता नहीं जिसने ये कहा हो कि जी हमारी छीन ली सरकार तो मेरी आई गई थी। क्या तो जब कोई ये मान लेगा कि भाई मेरा बटुआ छीन लिया नावेद ने तो वो कभी शांत नहीं रहेगा। क्या वो मान के चल रहा कि बटुआ मेरा है और नावेद ने छीन लिया? नहीं, ये भाव मैंने प्रदेश में कहीं किसी राजनेता के अंदर नहीं देखा। नहीं, दरअसल ये टीस कुछ और है और व्यक्त कुछ और करते हैं। जो टीस है उस बात को व्यक्त नहीं कर पा रहे विपक्षी नेता, खासतौर से अखिलेश जी।